नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 24 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज रविवार है पौषमास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि में दस बज करके सत्तावन मिनट तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है रोहिणी नक्षत्र है ब्रह्मयोग वणिज करण है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और अभिजीत मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के उनचास मिनट से दोपहर बारह बजकर के बत्तीस मिनट तक का होगा वहीं काल शाम साढ़े चार बजे से छह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज पुत्रदा एकादशी है बड़ा ही महत्व है भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं, उनकी कृपा प्राप्ति हेतु उनकी आराधना करें विशेष रूप से निसंदेह उनकी कृपा प्राप्त होगी पुत्रता पुत्रदा एकादशी संतान देने वाली ये एकादशी नारायण की कृपा हो तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं तो आराधना करेंगे और साथ ही साथ सांत दिव्य महाप्रयोग में एक ऐसे अद्भुत और दिव्य स्वप्न की चर्चा मैं आपसे करूंगा जो अनुभूत स्वप्न है यह स्वप्न बड़ा ही श्रेयस्कर श्रेष्ठ सफलता प्रदायक है तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं गृहस्तुतियों की मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है शुक्र धनुराशि में संचरण कर रहे हैं गुरु सुरु, गुरु सूर्य शनि और बुध ये चार ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं तो देखा जाए तो गोचर कुंडली में रूचक योग शश महापुरुष योग चतुर्ग्रही योग बुधादित्य योग शिक्षक योग ये सारे योग

तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं स्वप्न अद्भुत विज्ञान है यह स्वप्न सब कुछ बता देता है भूत भविष्य वर्तमान बस जगते हुए सोना पड़ेगा मैं सदैव कहा करता हूं कि जगते हुए अगर आप सो रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए सोते समय जागने का अपना अलग ही महत्व है यानी सुसुप्ति अवस्था स्वप्न में छोटे बालक को देखना स्वप्न में बालक के द्वारा कोई भी इशारा मिले बालक के द्वारा कुछ भी आपको कहा जाए यह अनुभूत है सफलता प्रदायक होता है बालक जो भी कहे वो भी विचारणीय होता है कहीं कोई इशारा करे बालक कहीं ले जाए हाथ पकड़ करके या बालक कुछ भी कहे आपसे यूं समझ लीजिए यह स्वप्न पूर्णतः सफलता प्रदायक है इस स्वप्न का प्रभाव सद्य घटित होने वाला होता है तो अगर आपने स्वप्न में बालक को देखा और बालक ने आपसे कुछ कहा तो इसे कभी भी अनसुना ना करें वो क्या कहना चाह रहा है क्या दिखाना चाह रहा है मैंने जैसा कहा ये अनुभूत स्वप्न है और निसंदेह ये सफलता प्रदायक स्वप्न है यानी स्वप्न में बालक का दिखना बहुत बढ़िया है स्नानी से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए और लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए लाल रंग का पात्र यानी ताम्र पात्र पात्र में जल ले लीजिए और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए अपने गुरु का ध्यान करिए इसके बाद तीन आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आप भ्यंतर सूची यानी भीतर पवित्रता के लिए इसके बाद अपने ऊपर जल छिड़किए आसन पर जल छिड़किए और हाथ जोड़ करके क्षेत्र कधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं आप आज्ञा प्रदान करें भैरव जी से आज्ञा मिलते ही अब आपको अपनी सुरक्षा कर लेनी चाहिए सुदाहिने हाथ में जल लीजिए बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए और तीन बार गायत्री मंत्र पढ़िए आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए अब आप गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित सुरक्षा ज, सुरक, जल के सुरक्षा घेरे में है इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है सर्वाधिक जरूरी किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हैं किसी भी तरह की परेशानी है आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है हर तरह की समस्या को दूर करने वाला होता है प्राणायाम प्राण का आयाम प्राण का व्यायाम प्राणायाम करने से आयु वृद्धि हो जाती है तो प्राणायाम कर लीजिए रेचक कुंभक पूरक विधि आप सभी जानते हैं जो नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं और लिंक पर आकर के प्राणायाम की पूरी विधि देख लें अगर आप इस राशिफल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको प्राणायाम की विधि जानने के लिए यूट्यूब पर ही आना होगा यहीं से लिंक लेकर के आप प्राणायाम की संपूर्ण विधि देख सकते हैं प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में जल लीजिए और बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर आइए और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए श्री हरि विष्णु का मन ही मन ध्यान करते हुए और ऐसी कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं वो सभी पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं और श्वास छोड़ते रहिए तब तक छोड़ते रहिए जब तक कि श्वास छोड़ना आपसे बंद ना हो जाए रुक न जाए इसके पश्चात जल को बाई और फेंक दीजिए बिना देखे हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए श्री हरि विष्णु को भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रातः काल का अर्घ्य झुक कर दिया जाता है ओम ब्रह्मस्वरूपिणी श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को तीन अर्घ्य प्रदान करिए आप गायत्री मंत्र बोलकर भी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं तीन अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात पुनः आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए ग्यारह इक्कीस इक्यावन सवाठ जितना आपसे हो सके सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है बाकी के दिन आप और सारी क्रिया करते रहिए पूजा पाठ करते रहिए लेकिन रविवार के दिन आपको भुवन भास्कर की ही आराधना करनी चाहिए भुवन भास्कर की आराधना करने से आत्मविश्वास यश मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है अब चलते हैं राशि फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं देखा जाए तो आपके लिए ग्रह स्थिति यथावत बनी हुई है चाहे वो रुचक योग हो शश महापुरुष योग हो शिक्षक योग हो नृप योग हो बुधादित्य योग हो सभी योगों का लाभ आपको मिल रहा है परंतु धनभाव में आपकी राशि से ग्रहण योग का भी निर्माण है सो सतर्क रहना होगा वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और बिना विचारे आज कहीं भी किसी को धन दीजिएगा मत धन देना बिल्कुल ठीक नहीं परंतु धन संचयन के लिए दिन ठीक है रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए सकारात्मक सोच बना करके अगर आप आगे बढ़ें तो आपके ज्यादातर फैसले सही रहेंगे छुट्टी का दिन है सो तो अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ समय व्यतीत करना अच्छा रहेगा आपके लिए खुशी मिलेगी भविष्य में निवेश करने की योजना आप बना सकते हैं और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो सामान्यतया ठीक है दिन व्यापार में लाभ रहेगा आज का दिन इधर उधर बैठ करके कहीं बर्बाद मत करिएगा यानी समय को व्यर्थ न गाइए प्रेम संबंध में मधुरता रहने वाली है प्रेम संबंध ठीक दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है दाम्पत्य जीवन में भी कोई परेशानी नहीं और विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है आज का दिन लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से चोट चपेट की घटना अथवा सिरदर्द की शिकायत आपको हो सकती है बस एक ही काम करना है प्राणायाम भुवन भास्कर को अर्ग प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब पर प्राणायाम करिए हर तरह के सिरदर्द परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी साथ ही साथ सप्ताह भर की ऊर्जा भी मिल जाएगी लकी अंक आपके लिए आज दो लकी कलर है आपके लिए आज बादामी है बात वृषभ राशि की कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं सो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी शुभ संदेश प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है एक नया जोश आपके अंदर भर जाएगा भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण एक नया जोश आपके अंदर भरने वाला है घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या है कोई परेशानी चली आ रही है उसको सुलझाने के लिए समस्या को दूर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है एक कोई भी तरह से देखा जाए तो नया प्रारंभ करने के लिए नई शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत बहुत बढ़िया है संयम बनाए रखना है धैर्य रखने की आवश्यकता है आपके सभी काम बन जाएंगे और व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है व्यापार से संबंधित थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है व्यापार में सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए लाभ मिलेगा आज छुट्टी के बावजूद घर पर रह करके कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है हो सकता है पुराने कुछ दिनों के काम भी कुछ पेपर वर्क आप पूरा करेंगे थोड़ी सी परेशानी थोड़ी चिंता भी दिखाई पड़ रही है परंतु एक ही सलाह दूंगा किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए अगर काम करने की इच्छा ना हो तो ना करिए प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन में आज परेशानी जीवन साथी के साथ मतभेद तू, -तू मैं की प्रबल संभावना है और विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन कोई बहुत बढ़िया दिन दिखाई नहीं पड़ता परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है विशेषकर जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है मिथुन की बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से बारहवें संचरण कर रहे हैं चतुर्ग्रही योग राशि से अष्टम में सतर्कता सावधानी सकारात्मकता आत्मविश्वास बेहद जरूरी है परेशानियां छोटी मोटी आती रहेंगी लेकिन छुट्टी का दिन है सो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं हर तरह के चिंता तनाव परेशानी को छोड़कर परिवार के साथ समय व्यतीत करिए आज के के दिन को आनंद साथ आप कैसे व्यतीत कर सकते हैं इसकी जुगत लगाइए इसके लिए नए नए आइडियाज बनाइए ताकि घर परिवार के साथ आपका समय अच्छे से जाए हां व्यर्थ के खर्च से बचिए व्यापारियों के लिए भी दिन कोई विशेष लाभप्रद नहीं है सावधानी आपने नहीं बरती तो नुकसान हो जाएगा कार्यस्थल पर केवल संदेह के आधार पर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बचिए और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी के दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ने वाला है और वहीं विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत करने का दिन है हालांकि शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया नहीं है दिन भ्रम की स्थिति है बार बार आपका ध्यान भटकता रहेगा मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है लेकिन वहीं सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है पुराने रोग उभरने से आप परेशान हो सकते हैं सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज सफेद भुवन भास्कर कर्घ प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी कर्क की बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में संचरण कर रहे हैं तो रोचक शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है धन लाभ की स्थिति बनी हुई है छुट्टी का दिन आनंद के साथ बीतने वाला है रुका हुआ पैसा प्राप्त होने से खुशी मिलेगी पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहने वाला है दिन भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही चलता रहेगा यानी मिला जुला करके पूरा दिन खुशियों भरा है तो वहीं आप अपने शौक पूरा करने के लिए भी थोड़ा समय अवश्य निकाल लेंगे आज और व्यापारियों के लिए देखा जाए बहुत बढ़िया है दिन बस एक ही बात का आज आपको ख्याल रखना है कर्क राशि के हैं तो भावनाओं में मत बहिए सारा नुकसान भावनाओं में बहने से है किसी किसी कोई वादा मत करिए इससे नुकसान होगा लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी के साथ बढ़िया समय बीतेगा कुछ उलझी बातें सुलझ जाएंगी और प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए आज आप प्रयत्न कर सकते हैं विद्यार्थी हैं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है परिणाम अच्छा मिलेगा परिणाम को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं बस मेहनत करते जाइए और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी की शिकायत हो सकती है पेट के नीचे के हिस्से में भी दर्द की शिकायत होगी थोड़ा सावधान रहिएगा खान पान का ध्यान रखिएगा और मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज पीला भुवन भास्कर प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी शुभ की बात कर लें तो दिन बेहद शुभ रहने वाला है गोचर कुंडली में भाग्य भाव में भाग्यपति का होना तो वही राशि से दसम भाव में ग्रहण की स्थिति लेकिन छुट्टी का दिन है चिंता की कोई आवश्यकता नहीं कोई शुभ समाचार भी आपको मिलने वाला है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो ले सकते हैं दिन इस मामले में अच्छा है यात्रा की स्थिति दिखाई पड़ रही है लेकिन सुखद यात्रा की स्थिति दिखाई पड़ रही है वही पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो यूं समझ लीजिए काम बनने वाला है नौकरी पैसा लोगों की बात करें तो वैसे तो आज छुट्टी का दिन है लेकिन हो सकता है आज पूरे दिन किसी ना किसी जुगाड़ में लगे रहेंगे और इसी का फल देखिए कि पदोन्नति के संकेत आपको जल्द ही मिलने वाले व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है जो भी आपके अधूरे कार्य थे वो पूरे होने वाले हैं स्थायी होने वाले हैं मन में अगर किसी बात को लेकर के घुटन है तो उसे आज अपने जीवन साथी से बताइए और कुछ नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आप जरूर कदम आगे बढ़ाइए प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो बढ़िया है दिन प्रेमी से सहयोग मिलने वाला है प्रेम संबंध के लिए हर तरह से बढ़िया दिन लेकिन जीवन साथी की सेहत आज आपको चिंतित चिंतित करेगी जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको भी चिंतित करेगी और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा इधर उधर की चीजों में आज आपका समय व्यर्थ जाने वाला है ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो सावधान रहिएगा सतर्क रहिएगा और आज लकी अंक आपके लिए दो है लकी कलर आपके लिए आज कथई भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब पर प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी कन्या की बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं दिन सभी प्रकार से बढ़िया है चतुर्ग्रही योग राशि से पंचम भाव में हर प्रकार से दिन बढ़िया छुट्टी का दिन बेहद आनंद के साथ बीतेगा हालांकि प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी तनाव थोड़ी परेशानी हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा परंतु बाकी हर मामले में दिन आज का बहुत बढ़िया है मेहनत करिए अगर मेहनत करते हैं तो उसका फल जो मिलेगा वह आपके लिए बेहद श्रेष्ठ बहुत बढ़िया होगा यूं समझ लीजिए अपने कार्य के लिए जल्द ही आप पुरस्कृत होने वाले हैं सकारात्मक दृष्टिकोण बनाइए और व्यापारियों के लिए दिन सभी प्रकार से शुभ रहने वाला है कुछ बड़े कार्यों की योजना बनेगी बस अपने काम में आज मग्न रहिए काम करिए संकोच में पढ़कर के किसी से कोई वादा मत करिए कोई कार्य करने की हामी मत भरिए कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत बनाइएगा नहीं तो घर का माहौल खराब होगा और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा है दिन शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ बहुत अच्छा है जोड़ों में दर्द की तकलीफ थी तो यह तकलीफ आज आपको राहत इससे मिलेगी हो सके तो डॉक्टर से भी जाकर के मिलेगा लकी अंक आपके लिए आज लकी कलर आपके लिए आज पर्पल भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी तुला की बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में ग्रहण की स्थिति उत्पन्न किए हुए हैं लेकिन चतुर्ग्रह जहां रोचक और शश महापुरुष योग का लाभ गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग भी आपको प्रभाव अवश्य दे रहा है सो आगे बढ़ने का कोई ना कोई मौका मिलेगा घबराइए मत छुट्टी का दिन है नए सिरे से समस्या पर विचार करिए पुरानी समस्याओं को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो उस पर नए सिरे से एक बार फिर से विचार करिए प्रयत्न करिए समस्या अवश्य हल होगी नए अवसरों के बारे में विचार करिए हो सके तो दोस्तों के साथ परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए व्यापारी हैं तो व्यापार में मेहनत थोड़ी अधिक रहने वाली है लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है बस जल्दबाजी में कहीं कोई फैसला मत लीजिएगा जल्दबाजी में कहीं कोई निर्णय मत लीजिए नुकसान होगा प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है उसे निपटाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए शाम तक परेशानी खत्म हो जाएगी और विद्यार्थियों के लिए बता दूं आज नोट्स तैयार करने के लिए जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मांगिए दिन बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कुछ मामूली परेशानी हो सकती है कफजन्य रोगों से परेशानी थकान और आलस्य से भी आज थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं वैसे सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है मौसमी बीमारियों से बस सावधान रहेगा लकी अंक आपके लिए आज एक लकी कलर आपके लिए आज मेजेंटा भुवन भास्कर प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी वृश्चिक की बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं पैसों से जुड़ा अगर कोई घरेलू मसला है या किसी भी तरह की कोई चिंता कोई घरेलू परेशानी उसे सुलझाने के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और पूर्व के किए प्रयास से अब आपको जल्द ही फायदा मिलने वाला है अगर आपने यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखा है तो उसकी तैयारी पहले से कर लीजिएगा हालांकि यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है परंतु अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा बस फिजूल खर्ची से आपको बचना है किसी से किसी भी तरह की बहसबाजी नहीं करनी लेन देन के मामले में सावधान रहना है लव पार्टनर पर आज आपका खर्च होने वाला है अधिक खर्च बड़ा खर्च दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी परेशानी जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता या जीवन साथी के किसी और परेशानी के कारण आप परेशान हो सकते हैं हो सकता है जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में कोई चिंता और परेशानी हो जिसके कारण आप परेशान हो और अगर आप विद्यार्थी हैं तो सफलता प्रदायी है दिन विद्या अपने मित्रों के साथ बैठ करके पढ़ने के लिए चाहे ऑनलाइन ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हो आप दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है हालांकि आज बता दू वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर थोड़ी सुस्ती हावी रहेगी लकी अंक आपके लिए आज छह लकी कलर आपके लिए आज लाल है भुवन गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी धनु की बात कर लें तो आज दिन भर व्यस्तता बनी रहने वाली है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सष्टम में तो वहीं चतुर्ग्रही योग राशि से द्वितीय भाव में मंगल का राशि से पंचम में स्वग्रही होकर के संचरण करना पार्टनरशिप के संबंधों में अगर कोई समस्या है तो उसे दूर करने का उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए प्रेमी के शक का अगर शिकार हो गए हो या प्रेम संबंध में मतभेद गलत फहमी हो गई हो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए आज वाद विवाद से बचिए हर तरह के वाद विवाद को दूर करने का दिन है आज किसी रिश्तेदार के यहां आपका जाना हो सकता है या रिश्तेदार से मुलाकात आज आपकी हो सकती है व्यापारी हैं तो व्यापार में जरा संभल करके रहिए पैसों का विशेष रूप से ध्यान रखिए और पैसों को लेकर के विवाद मत करिए वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं होनी चाहिए नहीं तो बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है और जीवन साथी से मतभेद की प्रबल संभावना है सतर्क रहिए जीवन साथी की भावनाओं को समझिए और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो बहुत अच्छा समय बीतने वाला है पढ़ाई में आज आपका मन लगेगा शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है दिन और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में परेशानी है मौसमी बीमारियों से परेशानी हो सकती है कफजन्य रोगों की शिकायत और चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है सावधान रहिए लकी अंक आपके लिए आज नौ लकी कलर हल्का हरा भुवन भास्कर को अर्घ प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी मकर की बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है अपने विचार के दम पर अपने ज्ञान के दम पर करियर में बस आगे बढ़ते चले जाइए छुट्टी का दिन है सो परिवार के साथ समय व्यतीत करिए घर का माहौल ऐसा बना दीजिए कि सबको किसी भी तरह की टेंशन हो वो टेंशन छोड़कर लोग हंसी खुशी के साथ दिन व्यतीत करें इससे आने वाले दिनों में काम करने की आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी घर परिवार से संबंधित कोई मसला है जिसे सुलझाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं समझ लीजिए अच्छा है दिन सुलझने वाला है मसला सुलझ जाएगा व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है जरूरत पड़ने पर कारोबार में हर प्रकार का सहयोग आपको प्राप्त होगा काम आपके पूरे होंगे कोई बात किसी से कहना चाहते हैं तो उसे मन में दबा कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं कहिए और अविवाहित हैं तो यूं समझ लीजिए विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है जीवन साथी हो या लव पार्टनर संबंध में मजबूती आएगी यानी प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन दोनों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और प्रेमी के साथ कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी विद्यार्थियों को सहयोग मिलने वाला है सीनियर से शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है और सेहत भी आज आपका बहुत बढ़िया पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी लकी अंक आपके लिए आज पांच लकी कलर आपके लिए आज काला है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी और बात अगर हम कुंभ की कर लें तो शांति के साथ दिन को निकालने की कोशिश करनी है पारिवारिक सहयोग हर प्रकार से आपको प्राप्त होता रहेगा मिला जुला करके छुट्टी का दिन लेकिन यह बढ़िया है चतुर चतुर्थ भाव में चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण बनाकर के संचरण कर रहे हैं पराक्रम भाव में पराक्रम पति चतुर्ग्रही योग राशि से बारहवें भाव में परिवार के साथ खरीदारी करने के लिए जा सकते हैं लेकिन व्याधिक की संभावना बन रही है और अगर आप व्यापारी हैं कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी जरा रुकिए पुराने कार्य को पहले ठीक ढंग से करिए मेहनत और करने की आवश्यकता है व्यापार में पैसा अटक सकता है फंस सकता है मुश्किल में पड़ेंगे परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए मायने रखती है बड़ों की सलाह टालिए मत जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए और प्रेम संबंध में कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है तो परेशानी दूर हो जाएगी आज शाम तक विद्यार्थियों के लिए अवश्य आज का दिन मिला जुला रहने वाला है शिक्षा में पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगेगा और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप डिप्रेशन या किसी भी तरह की नींद से संबंधित परेशानी से पीड़ित रहे हैं तो आज आपकी परेशानी बढ़ेगी लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज पिंक भुवन भास्कर प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और मीन की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं द्वितीय भाव में मंगल का होना महाधनी योग का प्रभाव आपको मिल रहा है सोचे हुए सारे काम पूरे होने वाले हैं अच्छे से होने वाले हैं समय पर होने वाले हैं छुट्टी का दिन परंतु आनंद से बीतेगा मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है तो वहीं छुट्टी के है का दिन है तो घर के सामानों की मरम्मत इत्यादि करना घर की साफ सफाई करना ये कार्य भी आप कर सकते हैं घर परिवार के लिए खरीदारी करने का भी दिन है और व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन अचानक फायदा होने का योग बन रहा है किसी मामले में अगर क्रोध आए उत्तेजना गुस्सा उस पर कंट्रोल रखिए प्रेम संबंध में मजबूती आएगी कोई पुरानी चली आ रही अनुबंध थी तो वो दूर हो जाएगी आज खत्म हो जाने वाली है और विद्यार्थियों को आज जरूर थोड़ी टेंशन रहने वाली है चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है सेहत को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिए विशेषकर पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं आपको सावधान रहना होगा लकी अंक आपके लिए आज आठ लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी भुवन भास्कर को प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी तो प्रिय दर्शकों यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार